कर्नाटका गवर्नमेंट की जानिब से एक नोटिस जारी कर यह ऐलान किया गया है कि मार्च 2023 से फिफ्थ और एट्थ क्लास स्टूडेंट के लिए एनुअल एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। इस खबर से आवाम के बीच बेचैनी पाई जा रही है, किस तरह ये एग्ज़ाम्स होंगे और बच्चों को क्या तैयारी करना पड़ेगा, तमाम चीज़ों में अब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। गुलबर्गा हेडलाइंस पर कई पेरेंट्स ने कॉल कर बताया इस खबर की मुकम्मल डिटेल ना मिलने पर लोग बेहद परेशान हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस टीम और एक्स कूड़ा चेयरमैन डॉक्टर असगर चुलबुल ने गुलबर्गा बीईओ ऑफिसर से मुलाकात कर एनुअल एग्ज़ाम्स को लेकर चल रहे कन्फ्यूज़न पर बात की है। तमाम डिस्कशन में बीईओ ऑफिसर ने बताया अब तक गवर्नमेंट की जानिब से इन्हें कोई सर्कुलर नहीं मिला है। बीईओ ऑफिसर ने कहा अभी आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर मिल जाएगा तो तमाम डिटेल्स आवाम तक पहुँचाई जाएगी। डॉक्टर असगर चुलबुल ने बीईओ ऑफिसर से बातचीत के बाद तमाम डिटेल बताते हुए आवाम को इंतज़ार करने की गुजारिश की है। कुछ देर पहले यहाँ पर गुलबर्गा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नॉर्थ ऑफिस आसिफगंज में हमने और गुलबर्गा हेडलाइन के चीफ ने बीईओ श्रीमान वीराना बोमनली से मुलाकात की और इस सिलसिले में जो पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत सारे और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के और जो मैनेजमेंट है कॉलेज मैनेजमेंट उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन पाए जा रहे हैं कि सरकार की जानिब से फिफ्थ क्लास और एट्थ क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो अभी बीओ नॉर्थ ने तफसीली उस बारे में बताया कि अभी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है, प्रिंट मीडिया में ये खबर शाया की गई है और सरकार अभी इस बारे में सोच रही है, फिर से रिव्यू कर रही है कि इसको अगर लागू करेंगे, अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके नुकसान कितने होंगे, फ़ायदे कितने होंगे और उसका जो बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितने जो है ना स्टूडेंट रहेंगे और किन किन लोगों को उसमें फैसिलिटी दी जाएगी और क्या वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है बच्चों को, इस सिलसिले में एक कमेटी उस पर काम कर रही है। तो वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट और कमिश्नर एजुकेशन वो लोग सब मिलकर के फिर एक बार उसको रिव्यू कर रहे हैं, बीओ नॉर्थ का ऐसा कहना था। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि टिल दैट अभी तक कोई ऐसा राइटिंग में ना तो कोई सर्कुलर आया है क्लास फिफ्थ और एट्थ को बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए और ना ही कैंसलेशन के लिए कोई लेटर आया है। तो अभी उन्होंने कहा है कि अभी एक 10-15 दिन वेट कीजिए, पूरी जो क्लियर जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो मिलेगी।